शिवरंजनी में बाखिजर का सिलसिला थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें गंधार कोमल लग रहा है, उसमें गंधार तीवर है, देवत भी कोमल है। सरे का पद दब दब ग दब दब ग दब ग रे सरे ग द सरे ग रे ग ब ग ब ग ब ग ब द द द ब ग ब द द ऐथो मिलता सको सखी मुश्ताक जो दिसदा कलंदर किबरिया अगर तशनगी रह जाए, आज तशनगी रह गई है, फिर कभी बैठेंगे इंशाल्लाह और ऐसी महफिल सजाएंगे, आपको दावत देंगे। आपने आसमान की बुलंदियों को छुआ और ज़मीन की पाताल तक गए। ये सिर्फ मेरा ही कमाल नहीं, मेरे साथी जो मेरे साथ बजा रहे हैं, उन्होंने एक संगत की है, कमाल का ठेका लगाया, कमाल का ठेका। मैं दोबारा बहुत आपका ममनून हूँ और डॉक्टर साहब का कि वो ऐसी पकीज़ा महफिलें सजाते हैं। मैं चाहता हूँ कि डीएम चैनल को मालिक बहुत तरक्की दे और कर रहा है, वो सदात का साया सर पे रहे। माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छी बात की, रूह की तहारत, ये प्रोग्राम रूह की तहारत था। और नाज़रीन, वक्त यही है और बड़ा ज़ालिम है, किसी पे भी छुरी रख देता है गर्दन पे और उसे कुर्बान हो जाना पड़ता है। मैं जनाब आज के जो हमारे तशरीफ़ लाए हैं हाज़रीन, नाज़रीन, हमारे कॉलर्स और इंतज़ामिया, इसके अलावा नादर ख़ान साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कमाल किया आज। इमरान ख़ान अपनी जगह छाए रहे, बंटी ख़ान हक अदा किया आपने। उस्तादों के साथ काम करना कोई मामूली बात नहीं है और आपने माशाल्लाह अपना हक अदा किया। प्रिंस अब्बास हमेशा की तरह आज भी छाए रहे और रानी ताज खसूसी तौर पे ढोल की थाप पर उन्होंने आज नजराना अकीदत पेश किया। नईम गुजराती साहब ने, उनकी हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल करे, हमेशा की तरह अवार्ड याफ्ता हैं, हक अदा कर दिया। सैयद नवी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। उस्ताद सगीर अली साहब पाकिस्तान से आए हुए, साईं इमरान, इन सब ने हक अदा किया, अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी कबूल करे। ख़ास तौर पर उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के फर्जंद वली अहद, और जो आज की महफिल सजाने के लिए खसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए,
उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उस्ताद ग़ुलाम शबीर ख़ान साहब, आपने कमाल किया है, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ में शौक़ में और इजाफ़ा करे, और अपने नाज़रीन का भी, हाज़रीन का भी, तमाम जो इस महफ़िल में शरीक हुए बिलवास्ता बिलावास्ता, उनका मशकूर हूँ। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, दिल तो चाहता है बैठे रहें लेकिन वक्त ज़ालिम है, इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।